नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है सोचने समझने वाले इस प्रोग्राम में। ताजा राजनीतिक गपशप को जाना जाए। भाजपा की अंदरूनी खलनायकी से वैसे ही जैसे नितिन गडकरी बतौर अध्यक्ष हुए थे, अमित शाह के बेटे की फर्म ने जो रिटर्न जमा किए वही खबर की बुनियाद है। तभी बुनियादी सवाल है कि पत्रकार को इसका आइडिया, हिंट, टिप किसने दिया? पत्रकार ने खुद कहीं से टिप मिलने की बात कही है। दरबार में पैठ रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया है कि यह टिप तो 6 महीने से चल रहा था। सुझाया जा रहा था जय शाह आजकल क्या कर रहा है। पहले तो वह सो पैटर्न वही है जो नितिन गडकरी के वक्त था। शातिर सियासी दिमाग से गडकरी की पूर्ति कंपनी में वकील की तरह कागजों में खोजा कि बात का बतंगड़ किस टिप से बनेगा। पीछे खोखा कंपनियों की लिस्ट से मीडिया को बात लीक हुई, तब एक चैनल से बात का बतंगड़ बना और नितिन गडकरी हो गए बदनाम। तब चैनल की एंकर किसके घर बैठी रहती थी, तब भी जानने वाले नए साल की दावतों में उस एंकर की वैसी ही अंतरंगता महसूस करते थे जैसे अमित शाह के बेटे के भंडाफोड़ वाली पत्रकार उन दावतों में धमक लिए दिखती थी। अमित शाह के बेटे जय शाह का मामला कुल मिलाकर बात का बतंगड़ है, मगर एंगल जबरदस्त हिट है। सोचे कितनी बारीकी से अमित शाह के परिवार पर फोकस बना, वह भी तब जब पूरी दुनिया अमित शाह के रौब से थर्राए हुए। तब जय शाह की कंपनी की खबर, साल दर साल रिटर्न का रिकॉर्ड और फिर उसमें से वकीलाना अंदाज में यह निकलना कि ऐसे होता है 1 और 1 11। गंभीर बात यह है कि उस वक्त सनसनी बनी जब गुजरात चुनाव सिर पर है। याद करें, जब दोबारा अध्यक्ष बनना था तभी नितिन गडकरी का कथित भंडाफोड़ हुआ था। अब गुजरात में अमित शाह और उनके बनवाए विजय रूपानी की प्रतिष्ठा दांव पर है। तब वहां घर घर चर्चा करा दी गई है कि देखो जय शाह का पैसे का कमाल। अमित शाह के लिए बेटे की बदनामी सियासी जीवन का सबसे बड़ा झटका सदमा है। अमित शाह दिखावे के लिए कितना ही आत्मविश्वास दिखाएं, मगर वे मन ही मन बुरी तरह हिले हुए होंगे। चुनाव में गड़बड़ हुई तो उन पर ठीकरा और जीते तो नरेंद्र मोदी की वाह, कितनी बदनामी के बाद भी उन्होंने जितवा दिया। सो उस आइडिया वाले को, टिप देने वाले को सलाम, जिसने ऐसी जगह पर वायर जोड़ा जो दिखने में घोर दुश्मन दिखे मगर अंग्रेजी दा लिबरल भाईचारे से अंदर खाने में दुश्मन के दुश्मन दोस्त। नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजरात में घबराहट दिखा रहे हैं। पराकाष्ठा है जो चुनाव आयोग से हिमाचल के साथ गुजरात में मतदान की तारीखों का ऐलान नहीं होने दिया। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है। चुनाव की तारीख का ऐलान न करने के लिए बाढ़ का ऐसा बहाना किया है जिसका मजाक हो रहा है। तो गुजरात में हवा बनी है कि मोदी शाह के हाथ पांव फूल गए हैं। मतलब एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने को पूरे भारत में अजेय दिखा रहे हैं, वहीं ठीक विपरीत गुजरात में इनके घबराए हुए दिखने की तस्वीर है। दूसरी बात, गुजरात के मतदाताओं को लुभाने के लिए बुलेट ट्रेन, सरदार सरोवर के विशाल काम, घोषणाएं पहले ही हो गई है। दोनों राज्यों के साथ चुनाव की तारीखों को जानते हुए ही प्रधानमंत्री दफ्तर ने सब कार्यक्रम करवाए हैं। तभी हिसाब से चुनाव आयोग को हिमाचल गुजरात की साथ साथ घोषणा करनी थी, पर चुनाव आयोग ने बहाना बनाया। क्या यह नरेंद्र मोदी, अमित शाह का अपने ही राज्य में अपने को घबराया हुआ नहीं दिखलाना है? गुजरात को लेकर अपना मानना है कि गुजराती हिंदू सर्वाधिक हिंदू मुस्लिम हुआ पड़ा है, घनघोर हिंदूवादी है। फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो गुजरातियों के लिए गौरव और गुजराती अस्मिता के प्रतीक भी हैं। सोया विधानसभा चुनाव ध्रुवीकृत हिंदू बनाम पेट की चिंता करने वाले गुजरातियों की कसमकस से निकला हुआ नतीजा लिए हुए होगा, मतलब लड़ाई गौरतलब होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी खतरे की घंटी मान बैठे हैं। मोदी शाह को गुजरात में एक तरफा आंधी वाली जीत चाहिए, यूपी जैसी, उसको लेकर इनका अपने पर से भरोसा घट गया है। तभी योगी आदित्यनाथ को घुमाने जैसी फॉर्मूले पर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। यह अनोखी बात है, पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी अकेले अपने कंधों पर बीड़ा उठाए रहते थे। इस दफा 10 तरह के नेता, 1000 तरह की घोषणाएं और नए नए जतन हैं। तो यह अमित शाह का वोट पकाने का मैकेनाइज्ड असेंबली लाइन वाला तरीका है, तो आर्थिकी से पैदा हुई घबराहट का भी परिणाम है। कल्पना नहीं थी कि अमित शाह पर बदनामी का बादल फूटेगा, वह भी गुजरात चुनाव से ऐन पहले। घटनाओं का क्रम देखें तो बदलते ग्रह नक्षत्र का योग जिम्मेवार लगता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह गलतियां करने लगे हैं। आर्थिकी को हैंडल करने, आलोचनाओं, विरोधियों को जवाब देने के सभी तरीके उल्टे पड़ रहे हैं। आर्थिकी की आलोचनाओं पर खुद जवाब देकर प्रधानमंत्री ने गलती की। यशवंत सिन्हा के बेटे से जवाब दिलवाकर भी मैसेज बनवाया कि देखो यह कैसे छोटे लोग हैं। ऐसे ही अमित शाह के बेटे जय शाह की खबर एक अनाम वेबसाइट में छपी। हिसाब से उसे अनदेखा करना था, लेकिन अमित शाह और सरकार दोनों ऐसे रिएक्ट हुए कि द वायर और उसकी पत्रकार भारतीय मीडिया की सुपरस्टार बन गई है। देश विदेश तक सब तरफ जलवा हो गया है। सरकार, अमित शाह ने गलती की जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जय शाह के बचाव के लिए बैठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आओ देखा न ताओ सीधे पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर धमकी दिलवाई। भारत सरकार के आला वकील को हाथों हाथ अनुमति देकर जय शाह का मुकदमा लड़ने की खबर बनवाई। पूरे देश को
रॉबर्ट वाड्रा बनाम जय शाह के मामले का फर्क समझ आया तो गुजरात में घर घर जय शाह के चर्चे हो गए। यह सब ब्लंडर था। पता नहीं अमित शाह को 100 करोड़ की मानहानि मुकदमे की जल्दबाजी किसने सुझाई। जिसने भी सुझाई उसने चुनाव वाले गुजरात में घर घर अमित शाह जय शाह की चर्चा करवा डाली। कुल मिलाकर अमित शाह को सियासी विसात में बुरी तरह उलझा दिया गया। कई पहलुओं में उन पर ठीकरा फुटवाने की भूमिका बन गई है। कहते हैं तमाम एजेंसियों और खुफियागिरी में अमित शाह के चाक चौबंद बंदोबस्त हैं, लेकिन इतनी भी खबर नहीं हुई कि उनके बेटे की टिप सरकार में से पत्रकार को मिल गई। सोशल मीडिया जनता के मूड को, वक्त की हकीकत को ऐसे मजाकिया अंदाज में लिए हुए होता है कि वह तीर की तरह चुभता है। ताजा बानगी में पेश है यह पोस्ट। अब उन सुर्खियों पर गौर करें जो कल पहले पेज पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में गुजरात गौरव यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित गौरव महासम्मेलन को संबोधित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संभवतः अपने आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग आपकी ताकत जानते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भाजपा के हर सिपाही के सामर्थ्य को भलीभांति जानता हूं, उस सामर्थ्य को समझता हूं और संकट की घड़ी में गुजरात भाजपा के छोटे से छोटे सिपाही ने आपातकाल में कैसे कैसे संकट झेले हैं, कैसे कैसे जुल्म सहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के जमाने में संघ के लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किए। आज भाजपा का विजय ध्वज चारों ओर फैला है। लोकतंत्र के पर्व में चुनाव यज्ञ होता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद ने कहा कि अगले 7 जन्मों में भी हम नीतीश को माफ नहीं करेंगे। उनके यहाँ अब नीतीश को दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान रहे कि कल रविवार को नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साहसी और कड़े कदमों उठाने वाला व्यक्ति बताया था। इस पर लालू ने कहा कि सृजन घोटाले के डर से नीतीश अब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की माला जप रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सबसे बड़ा डरपोक है। हालांकि लालू प्रसाद ने कहा कि भाजपा नीतीश का इस्तेमाल कर रही है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी किए गए आरुषि के माता पिता नूपुर तलवार और राजेश तलवार को गाजियाबाद के डासना जेल से आज रिहा कर दिया गया। ध्यान रहे कि पिछले हफ्ते 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया था। गौरतलब है कि 16 मई 2008 को 14 साल की आरुषि बेडरूम में मृत मिली थी। आप देख रहे थे सोचे सोचना जरूरी। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया इंडिया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो 09717748382 पर उसे मुझे भेजें। धन्यवाद, नमस्कार। अब कल फिर मिलेंगे।